हम लोग किसी भी कीमत पर ये ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। हमारी ये ज़मीन है, 100 वर्षों से इस ज़मीन पर हम लोग पूर्वजों के द्वारा जोत बाग होते आ रहा है, और सरकार जबरन हमसे ज़मीन लेना चाहती है, और हम जबरन ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और हम आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर और भगत सिंह के रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पर भी चलकर हम किसी भी कीमत पर ज़मीन यहाँ जाने नहीं देंगे। हमारी मर्जी के खिलाफ सरकार जाती है तो सरकार के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, और हर कीमत पर हम ज़मीन को अपने अधिकार में रखेंगे। किस तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है? सरकार के द्वारा जबरन किया जा रहा है। अब CEO उनका है, और CEO को कह दिया गया कि 2011 से आप रसीद मत काटिए। रसीद हमको पहले से कट रहा था, जमाबंदी था, रसीद काटने पर रोक लगा दिया गया है। और सरकार 2011 से हमारा रसीद नहीं कट रहा, उससे परेशान करता था रसीद। और आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हरियाली सब कुछ है, और उसको रोंद दिया गया, काटा गया, और अभी किसानों के द्वारा रोका गया है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। ज़मीन के लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे, और कुर्बानी कभी भी बेकार नहीं जाती है।